अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन में थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फर्स्ट वाला सम है हमारा 125 मल्टीप्लाई बाय 25। अब पहले हम 125 को 5 थोड़ी सी जगह छोड़कर 2 और थोड़ी सी जगह छोड़कर 1 लिखेंगे और उसी के नीचे मल्टीप्लाई बाय 25 लिखेंगे। पहले हम 5 से इस 125 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 5 तक पड़े, 5 5 25, 25 में 2 कैरी ओवर हो गया और ये आया 5। अब 5 का टेबल 2 तक पड़े, 5 2 10, 10 में हमने 2 ऐड किए 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1। फिर 5 का टेबल 1 तक पड़े, 5 1 5, उसमें 1 ऐड किए 6, ये 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, लेकिन ये 2 जो है टेंस की प्लेस पर है। कौन सी प्लेस पर? टेंस की प्लेस पर, 5 यूनिट पे था, ये टेंस पर है, इसलिए इसकी वैल्यू है 20, यानी हमें 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम यूनिट के प्लेस पर 0 लगा देते हैं और उसके बाद यूनिट के प्लेस पर 0 लगाने के बाद इस 2 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1। फिर 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 2 2 4, उसमें 1 ऐड कर दिए 5 हो गया। अब 2 का टेबल 1 तक पढ़े, 2 1 2। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, 5 में 0 ऐड किए 5, 2 में 0 ऐड किए 2, 6 and 5 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 2 में 1 ऐड किए, ये हो गया 3। हमारा आंसर आया 3125। नेक्स्ट वाला सम है 234 मल्टीप्लाई बाय 65। पहले 234 को हम लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 65 लिखेंगे। पहले यूनिट में 5 है, 5 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 5 4 20, 20 का 0 कैरी ओवर 2। 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 5 3 15, 15 में ये 2 ऐड किए 16 17, 17 में 1 कैरी ओवर हुआ और ये 7 आ गया। 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 5 2 10, और ये ऐड किए 1, ये हो गया 11। 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये 6 कौन सा 6 है? टेंस की प्लेस वाला 6, यानी इसकी वैल्यू है 60। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले यूनिट के प्लेस पर 0 लगा देंगे और इस 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 6 4 24, 24। फिर 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 6 3 18, 18 में ये 2 मिला दिए 19 20, 20 का 0 कैरी ओवर 2। फिर 6 का टेबल 2 तक पढ़े, 6 2 12, उसमें 2 ऐड किए 14। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड किए 0, 7 में 4 ऐड किए 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 and 0 1, 1 में 1 ऐड किए 2, 1 and 4 5, 1 का 1, आंसर आया 15,210। नेक्स्ट वाला समय 598 मल्टीप्लाई बाय 51। 598 मल्टीप्लाई बाय 51, पहले यूनिट के प्लेस से जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 1। 1 का टेबल 8 तक, 1 8 8, फिर 1 9 9, 1 5 5, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये कौन सा 5 है? ये टेंस की प्लेस वाला 5 है, इसलिए हम यूनिट के प्लेस पर 0 लगा देंगे और इस 5 से ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 5 8 40, 40 का कैरी ओवर 4 और यहाँ आ गया 0। 5 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 5 9 45, उसमें 4 ऐड किए, आंसर आया 49, 4 कैरी ओवर और यहाँ आया 9।
फिर 5 का टेबल 5 तक पड़े, 5 5 जा 25, 25 में ये 4 ऐड किए 29। अब इन दोनों को ऐड करना है, 8 में 0 ऐड किए 8, 9 में 0 ऐड किए 9, 5 में 9 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 के बाद 5 फिंगर्स निकाल कर काउंट करेंगे, 9 के बाद 10 11 12 13 14, 14 में 4 आया कैरी ओवर 1, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 2 एंड 1 3, आंसर आया 30,498। नेक्स्ट सम है 650 मल्टीप्लाई बाय 28, 650 मल्टीप्लाई बाय 28, पहले कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वाला, यूनिट में कौन है 8, यानी 8 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे, 8 0 0, फिर 8 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 8 5 40, 40 में यहाँ 0 आया कैरी ओवर 4, फिर 8 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 8 6 48, 48 में ये 4 मिला है 52। अब 8 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये 2 है या 20 है, ये 20 है, क्यों 20 है, क्योंकि ये 2 टेंस के प्लेस पर है, 2 टेंस का मतलब होता है 20, इसलिए हम यूनिट के प्लेस पर 0 लगा देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 5 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 2 का टेबल 6 तक पड़े, 2 6 12, उसमें 1 मिला है 13, हमने यहाँ लिख दिए, इन दोनों को ऐड करना है, 0 में 0 ऐड किए 0, 0 में 0 ऐड किए 0, 2 में 0 ऐड किए 2, 5 में 3 ऐड किए 8, और ये 1 का 1, हमारा आंसर आया 18,200, समझ में आया, थैंक यू।